सर ये खजीना डैम है, ये स्पिलवे हैगा सर। इसके साथ ये हम लोगों का डैम बॉडी है सर, ये डैम बॉडी है सर। ये भी जो लोग खड़े हैं स्पिलवे के ज़ीरो पॉइंट पे खड़े हुए हैं, तकरीबन दो अढ़ाई फुट इसका रहता है सर, भरने से 50 फुट लेवल है इसका, फिर 51-52 फुट पर जो है ना ये स्पिलवे पे स्पिल करेगा सर। और ये डैम बॉडी वो जो एक्सवेटर नज़र आ रहा है और वो एक सफ़ेद खेमा है वो एक्सवेटर के सामने, उसके भी वो किबले साइड पर वो एक छोटा सा बंद, इसको और भी जूम करता हूँ सर अगर नज़र आए, ये वाला छोटा बंद जो डिटेंशन बंद जो नज़र आ रहा है वो अगर यहाँ पे अगर हालात ऐसे बने के ख़तरे की पोजीशन है तो ये वाला डिटेंशन बंद इसको कट लगाएंगे, ये तकरीबन एक फरलांग के बाद या डेढ़ फरलांग के बाद गोलाई में वापसी जो है ना इसी नदी में गिरता है। तो ये हम लोगों ने एहतियातन ये इमरजेंसी के लिए ये रखा हुआ है ताकि अगर ऐसा हुआ तो हम इसको कट लगाएंगे। वो एक्सकेवेटर भी ये सामने नज़र आ रहा है, एक्सकेवेटर खड़ा हुआ है स्पेशल इसी के लिए, इसी बात के लिए हम लोगों ने ठहराया हुआ है सर। बाकी जो है ना ये पोजीशन है अभी आप देख रहे हैं सर, ये लोग भी खड़े हैं स्पिलवे के RD0 बेट पे खड़े हैं सर, ये डैम है, ये पोजीशन है सर। तो अभी तो मैं नीचे खड़ा हूँ, पानी तो अपस्ट्रीम पे लेफ्ट राइट पे बिल्कुल फैला हुआ है सर। अल्लाह हाफिज़।